आज के इस वीडियो में हम लोग बिना रटे इंग्लिश के लगभग 15 कठिन वर्ड्स को आसानी से सीख पाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी से इन वर्ड्स को सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंशियंट रोमन्स जिस भाषा का यूज करते थे उसको लैटिन भाषा कहते हैं। तो रोमन्स चलना फिरना टहलना को एम्बुल बोलते थे, यानी एम्बुल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू वॉक, मूव, गो। इस एम्बुल से बहुत सारे वर्ड्स बने हैं, जैसे एक वर्ड है एम्बुलेंस जो हम लोग बहुत यूज करते हैं पेशेंट को मूव कराने के लिए। तो एम्बुलेंस में एम्बुल का मतलब मूव करना और सफिक्स ANCE इसको नाउन बना देता है। सफिक्स मतलब किसी वर्ड के लास्ट में जो जुड़ता है उसको सफिक्स बोलते हैं। अक्सर जिसके लास्ट में अगर ANCE जुड़ा हो वह नाउन होता है। यानी एम्बुलेंस किसी स्पेशल व्हीकल का नाम ही तो है, इसलिए एम्बुलेंस नाउन है, यानी कि यह एक नाम है इसलिए यह नाउन है। यानी एम्बुलेंस मीन्स अ व्हीकल दैट इज़ यूज टू मूव पेशेंट्स। नेक्स्ट वर्ड सोमनेम्बुलिस्ट। सोमन भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोना, स्लीप। यानी रोमन स्लीप को सोमन बोलते हैं और IST जिस वर्ड के लास्ट में लगता है वह पर्सन को इंडिकेट करता है। जैसे टाइप का मतलब टाइप करना और टाइपिस्ट, यहाँ IST लग गया, यानी टाइपिस्ट का मतलब टाइप करने वाला। अब आप सोमनेम्बुलिस्ट का मीनिंग समझ पा रहे होंगे, यानी कि सोमन मतलब सोना, एम्बुल मतलब मूव, IST मीन्स पर्सन, यानी जो पर्सन नींद में मूव करे, नींद में चले, उसे सोमनेम्बुलिस्ट कहते हैं, यानी अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। ऐसा एक टाइप का बीमारी है जो लोग नींद में चलते हैं। नेक्स्ट है नॉक्टेम्बुलिस्ट। नॉक्ट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है नाइट, यानी लैटिन में नाइट को नॉक्ट बोलते हैं। नॉक्ट मतलब रात। एम्बुल मीन्स मूव, IST मीन्स पर्सन, यानी जो रात को मूव करे या नींद में चले उसको नॉक्टेम्बुलिस्ट बोलेंगे, यानी अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप बट इन नाइट। इसी से एक और वर्ड आता है नॉक्टर्नल एनिमल्स। वैसा एनिमल जो रात में एक्टिव हो उसको नॉक्टर्नल एनिमल कहेंगे, जैसे उल्लू। सोमनेम्बुलिस्ट और नॉक्टेम्बुलिस्ट में अंतर है। सोमनेम्बुलिस्ट कभी भी नींद में चलना को हम सोमनेम्बुलिस्ट कहेंगे, बट नॉक्टेम्बुलिस्ट केवल रात को ही नींद में चलता है। यानी दोनों में डिफरेंस है, जो रात में नींद में चले उसको नॉक्टेम्बुलिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है फ्यूनेम्बुलिस्ट। इसमें फ्यूनिस लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है रोप, रस्सी। यानी वैसा व्यक्ति जो रस्सी पे चले उसको फ्यूनेम्बुलिस्ट कहते हैं। यह अक्सर सर्कस में देखने को मिलता है। फ्यूनेम्बुलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु वॉक्स ऑन रोप। नेक्स्ट है सरकमबुलेशन। सरकम इज अ लैटिन वर्ड। सरकम भी एक लैटिन वर्ड ही है जिसका अर्थ होता है गोलाकार रूप से चारों तरफ। इसी वर्ड से सर्कल बना है, इसी वर्ड से सरकमफ्रेंस बना है, यानी कि सर्कल के चारों तरफ। यानी किसी वस्तु के चारों तरफ गोल गोल घूमने को हम सरकम एम्बुलेशन कहते हैं। एम्बुल मतलब घूमना। यानी ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है कि औरतें किसी पेड़, मूर्ति या मंदिर के चारों तरफ गोल गोल घूमती है, इसको हम सर्कमबुलेशन कहेंगे। यानी सर्कमबुलेशन मीन्स एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड अ सेक्रेड ऑब्जेक्ट और आइडल। नेक्स्ट है प्रीएम्बल। प्री मतलब होता है पहले और एम्बल मीन्स मूव। यानी स्पीच देने से पहले जो वॉकिंग या मूवमेंट होता है या जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में पहले ही ब्रीफ में बता देना कि आगे क्या आने वाला है,
उसे हम प्रियम्बल कहते हैं। जैसे हमारे संविधान का प्रियम्बल है जो हमें यह बताता है कि आगे पूरे संविधान में क्या आने वाला है, यानी प्रियम्बल मीन्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है एम्बुलेंट, जो चल फिर सके जो अपंग नहीं हो उसको एम्बुलेंट कहेंगे, यानी एबल टू मूव। नॉन एम्बुलेंट मीन्स जो चल फिर ना सके, नीड अ व्हील चेयर या स्टिक, यानी जो खुद से नहीं चले जिसको व्हील चेयर या स्टिक का ज़रूरत पड़े, नॉट एबल टू मूव, उसको बोलेंगे नॉन एम्बुलेंट। यानी एम्बुलेंट मीन्स एबल टू मूव, नॉन एम्बुलेंट मीन्स नॉट एबल टू मूव। नेक्स्ट है पेरम्बुलेटर, पेरी का मतलब चारों तरफ होता है, इसी से पेरीमीटर शब्द बना, यानी कि चारों तरफ, पेरीमीटर यानी चारों तरफ। और जिसके लास्ट में ओआर सफिक्स लगता है उसका मतलब होता है पर्सन, जैसे एडिट का मतलब एडिट करना, एडिटर का मतलब एडिट करने वाला, उसी तरह अगर जिसके लास्ट में ओआर लगेगा तो वह पर्सन को इंडिकेट करेगा। तो पैराम्बुलेटर का मतलब वैसा कोई चीज़ जो चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में घूमने लगे, यानी घूमने वाला, उसको पैराम्बुलेटर कहते हैं। जैसे बेबी कैरेज होता है वह किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहता है, तो इसीलिए उसको पैराम्बुलेटर कहते हैं। तो पैराम्बुलेटर मीन्स अ बेबी कैरेज, इसको शॉर्ट में प्रैम भी कहते हैं। नेक्स्ट है एम्बल, एम्बल मीन्स होता है मंद गति से चलना या टहलना, वॉक एट ए स्लो स्पीड। एम्बलर, एम्बलर मतलब मंद गति से चलने वाला। नेक्स्ट है एम्बुलेटरी केयर, यानी बिना हॉस्पिटल में भर्ती किए चलकर इलाज करना क्या कहलाता है, देखभाल करना एम्बुलेटरी केयर कहलाता है। वैसे ही होता है एम्बुलेटरी ट्राइब, यानी वैसा ट्राइब यानी आदिवासी जो प्लेस टू प्लेस मूव करता रहे, एम्बुलेटरी मतलब मूव करता रहे, जो फूड या शेल्टर के लिए, वैसे ट्राइब को हम एम्बुलेटरी ट्राइब कहते हैं। उसी तरह एम्बुलेटरी पेशेंट भी होता है। अच्छा, एक होता है एम्बुलेटरी का मतलब दवा खाना या डॉक्टर खाना भी होता है, यानी कि दवा खाना को हम इंग्लिश में एम्बुलेटरी भी बोलते हैं। अब दवा खाना को हम एम्बुलेटरी का सेंस कैसे आ रहा है, तो इसके पीछे का स्टोरी है। जैसे जो लोग चल फिर नहीं सकते थे उसको दवा या डॉक्टर ही ना चलने फिरने लायक बनाया, इसलिए दवा खाना को हम एम्बुलेटरी बोलते हैं, क्योंकि वह दवा खाना ही उसको एम्बुलेंट बनाया। एम्बुलेटरी का हिंदी मीनिंग दवा खाना भी हो सकता है। और जो पेशेंट चल फिर ना सकता हो उसको डॉक्टर द्वारा एम्बुलेशन किया जाता है ताकि वह चल फिर सके, यानी कि जो डॉक्टर द्वारा जो प्रैक्टिस किया जाता है पेशेंट के ऊपर उसको हम एम्बुलेशन कहेंगे। आई होप आप लोग इन सभी वर्ड्स को सीख गए होंगे। इसको एक बार फास्ट रिकॉल करते हैं। जैसे एम्बुलेंस मीन्स अ व्हीकल दैट इज यूज टू मूव पेशेंट, सेमनेम्बुलिस्ट का मतलब अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, नॉक्टेम्बुलिस्ट अ पर्सन हु वॉक इन स्लीप बट इन नाइट, फ्यूनम्बुलिस्ट अ पर्सन हु वॉक्स ऑन रोप, सरकम्बुलेशन मीन्स एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड अ सेक्रेड ऑब्जेक्ट और आइडल, प्रियम्बल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एम्बुलेंट अ एबल टू वॉक, नॉन एम्बुलेंट नॉट एबल टू वॉक, पेरम्बुलेटर या प्रेम का मतलब अ बेबी कैरेज, एम्बल मतलब वॉक एट अ स्लो स्पीड, एम्बलर का मतलब अ पर्सन हु वॉक एट अ स्लो स्पीड, एम्बुलेटरी केयर यानी मेडिकल केयर आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल, एम्बुलेटरी ट्राइब यानी ट्राइब मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एम्बुलेटरी का मतलब ड्रग्स स्टोर। अब इन सब इस प्रकार आप कहीं भी किसी भी वर्ड में एम्बुल मिले तो उसका सेंस कहीं ना कहीं चलना घूमना से ही या मूव करने से ही होगा, कहीं ना कहीं यही सेंस देगा। वाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्बुल? ऑप्शन है होप, लीप, वॉक, स्किप। इसका आंसर आप कमेंट में लिखकर जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।